एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। गेम से जुड़े बताने वाला हूँ कि आखिर के क्या टीम में खेल रहे प्लेयरों की कितनी कितनी फीस है, यानी कि एक प्लेयर कितना चार्ज करता है एक सीजन खेलने के लिए, वो भी 2023 के अंदर। मैं आप सभी को सारे प्लेयरों की फीस बताने वाला हूँ, एक प्लेयर कितने करोड़ लेता है, कितने लाख लेता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इस तरह के अपडेट लाते रहता हूँ। तो चलिए मैं आप सभी को फटाफट बता देता हूँ कि एक एक प्लेयर कितनी कितनी फीस ले रहा है केकेआर टीम की तरफ से खेलने के लिए आईपीएल के अंदर, और एसआर के कितनी कितनी फीस दे रहे इन सबको। तो सबसे पहले आपसे बता दूं, शेरे जरे की जो फीस है 12 करोड़ 25 लाख, हालांकि अभी केकेआर टीम में नहीं खेल रहे कुछ मजबूरी की वजह से। लेकिन इसमें बात करते हैं नीतीश राणा जो कि कप्तान है केकेआर टीम के, इनकी जो फीस है इस सीजन की 8 करोड़ रुपए। इसमें बात करते हैं वेंटेकेश अय्यर की, आपसे बता दूं इनकी जो फीस है अच्छा खेलते 8 करोड़ रुपए इनकी फीस है। और ऐसे में बात करते हैं केकेआर के बाहुबली यानी कि अंदर रसेल की, आपसे बता दूं इनकी जो फीस है 12 करोड़, हालांकि 12 रुपए का भी काम नहीं कर रहे, मतलब कोई रन नहीं बना रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप बात करेंगे सूर्य नारायण की जो कि बड़े अच्छे बॉलर है, इनकी 6 करोड़ फीस है। लेकिन ऐसे में अगर आप बात करेंगे उमेश यादव की, तब साधु उमेश यादव की 2 करोड़ फीस है, यानी कि एक सीजन खेलने के 2 करोड़ रुपए लेते हैं। अगर आप बात करेंगे टीम सऊदी की, तब साधु टीम सऊदी के 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। ऐसे में बात करेंगे हर्षित राणा की, तो आप साधु 20 लाख रुपए लेते हैं। लेकिन अगर आप वरुण चक्रवर्ती की बात करेंगे जो कि बड़े अच्छे बॉलर है, ये 8 करोड़ रुपए लेते हैं एक सीजन खेलने के लिए। लेकिन ऐसे में अगर आप बात करेंगे अंकुल रॉय की, तो आप साधु 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन ऐसे में आप सभी के फेवरेट, आप सभी के प्यारे 2023 के अंदर कितने रुपए ले रहे, यानी कि रिंकू सिंह, आपसे बता दो एक रिपोर्ट के हिसाब से रिंकू सिंह 2023 के अंदर आईपीएल खेलने के लिए 55 लाख रुपए ले रहे। हालांकि बहुत सारे बोलेंगे कि 80 लाख रुपए का जो बहुत सारी खबरें निकल गए, बता दूँ वो पिछली खबर है, मतलब जब उनका पहला सीजन जब उन्होंने 80 लाख रुपए उनको खरीदा गया था। लेकिन ऐसे में 2023 के अंदर जो उनकी लिस्ट निकल कर रही 55 लाख रुपए, लेकिन ये 20 करोड़ रुपए का काम कर रहे हैं। जो 20 करोड़ का प्लेयर काम करता है वो ये काम कर रहे हैं, मतलब हर मैच के अंदर 50 ऊपर रन मार रहे हैं और तगड़ा मैच खेल रहे हैं। लेकिन इसे में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इनकी फीस कितनी होना चाहिए इन प्लेयरों के हिसाब से। हालांकि मुझे लगता है कम से कम इनकी 15 करोड़ फीस होना चाहिए, क्योंकि हर तरीके से ये अपने टीम को जिताने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करेंगे केकेआर की ओपनर यानी गुरबाज की, तो साधु 50 लाख रुपए इनको लिया गया है। लेकिन शरदू ठाकुर को कितने में लिया गया, मैं आपको बता देता हूँ, 10 करोड़ 75 लाख में शरदू ठाकुर को लिया गया है। लेकिन अगर आप बात करेंगे लोगेश फॉरेंस की, जो कि नाम लेने में थोड़ा बहुत चुक रहा हूँ, इनको 10 करोड़ का लिया गया है। ये थी एक बड़ी फेरी जो कि मैंने आप सभी को बता दिया कौन सा प्लेयर कितने कितने करोड़ का। लेकिन ऐसे में आप मुझे कमेंट करके बताइए इन सारे प्लेयरों में केकेआर टीम के अंदर आपका कौन सा फेवरेट प्लेयर है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप किसी आईपीएल की टीम के प्लेयरों की फीस जाना, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसे वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करना फैलाइए, ताकि लोगों तक की इन्फॉर्मेशन पहुंचे।